21,000 रुपए भाई रामवीर सिंह शर्मा 21,000 रुपए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं। हरियाणा की पटौदी विधानसभा के गांव जाटौली में 36 बिरादरी ने महापंचायत का आयोजन किया। इस जन समर्थन के मौके पर गांव जाटौली की सरदारी और गांव के हर ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से कहा कि ये चुनाव केवल प्रदीप नहीं लड़ रहे बल्कि गांव जाटौली का बच्चा बच्चा चुनाव लड़ रहा है और ये लड़ाई संपूर्ण पटौदी के विकास संघर्ष विश्वास की लड़ाई है, हर गरीब व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई है जिसको हम सब मिलकर लड़ेंगे। सामने बाबा हरदेवा खड़ा रहेगा, तुम वोट डाल दिया मशीन में सारी वोट तुम्हारी निकलेगी, बाबा हरदेवा भी तुम्हारी मदद करेगा, मगर तन मन धन से जो भी यार दोस्त है। आज के बाद चुनाव क्या होता है, 14 तारीख को 14, 15, 18 मोदी जी की रैलियां हैं, इंसान बह जाता है, जब वो टीवी पर बोलेंगे तो इंसान बहकता है, बहकना नहीं है, हमने यही देखना है कि हमारा वोट कहाँ जाना है। गांव चाटौली का हर एक निवासी, पटौदी विधानसभा के हर एक गांव में सभी का जन समर्थन लेकर प्रदीप चाटौली के लिए वोट मांगेगा। प्रदीप चाटौली ने लोगों का प्यार देखकर कहा कि तन मन धन से मिले इस समर्थन के लिए मैं अपने सभी ग्रामवासियों का हृदय से आभारी रहूंगा, सदैव आपका सेवक बनकर विकसित पटौदी की नींव रखूंगा। ये जन समर्थन भी बहुत से लोगों की नींद उड़ा सकता है। पटौदी विधानसभा सीट पर आकलन करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, बहुत से उम्मीदवारों की स्थिति समान सी दिख रही है और बहुत कम अंतर है। इस स्थिति में अच्छे अच्छे महारथी ये बताने में सक्षम नहीं है कि जीत किसकी झोली में जाएगी। राजनीति के निवेशक भी असमंजस में हैं कि किस राजनेता को दान दिया जाए ताकि 5 साल तक राजनेता के साथ उसकी दाल गलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, समय भारत। दिल्ली के इनकी अलग ही पहचान है, अपने काम के अंदर काफी आगे हैं। धन्यवाद।